हाय गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गाइस, अभी जो है वो बारिश हो रही है और जो है वो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अंधेरा अंधेरा सा हुआ है। तो अभी बाहर जा के देखते हैं बारिश कैसी हो रही है। और फिर जो है वो आज भी गैस नहीं आ रही, तो जो है वो गैस वाले भी नहीं आए, कल उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। तो जो है वो अभी भी जो है वो सिलेंडर पे और माइक्रोवेव में चाय बनती है, तो ऐसे किया जाता है। या जो है बल्कि सिलेंडर पे क्या बनना है, चाय माइक्रोवेव में बनती है और स्लाइस साथ में खा लेते हैं, या मैं जैसे बिस्किट खा रही थी वैसे ही खा लेते हैं। तो अभी देखती हूँ मैं कि मैं क्या खाती हूँ। मामा तो वही ब्रेड और साथ में चाय पीने लगे हैं। और जो है वो रेन जो है वो हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि अंधेरा अंधेरा सा हुआ है। तो अभी जो है वो बाहर जाके देखते हैं कि क्या जो है वो है और क्या है। खैर गाइस, बारिश चेक कर रहे हैं। चेक करें कितना मजे का है। थोड़े आगे लेके गई, मेरे ऊपर भी गिर रहा। गर्दन नीचे में लग रहा था कि जो है ना वो अंधेरा अंधेरा सा हो गया, लेकिन नहीं, इतना अंधेरा नहीं। अभी ना असल में हेलेना को लेने जाना है, तो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से वो कह रही हैं कि इन ड्राइव वाला आ जाएगा। उसको मैंने कहा इन ड्राइव करवा दो, तो उसने तो गाड़ी में ही वो रिक्शे पे ही आना है या गाड़ी में आना होता है, बाइक तो करवानी नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उनको बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। लोगों के खाने पीने के टाइमिंग्स होते हैं। मैं रात को जब लोग सो जाते हैं तब की कंप्लेंट नहीं करा रही, तो सोए पड़े लोगों की गैस क्यों नहीं। गैस, मैंने बेड जो है वो नीट कर दिया है, फेस पे जो है वो लोशन भी लगा लिया है। अब नाश्ते करने जाती हूँ। बकू, बाहर जाओ, बाहर जाके हवा देखो, इतनी बारिश हो रही है। रुकती है ना बारिश, इस बारी वाला इतनी तेज बारिश हो रही है। जाओ बाहर, चलो बाहर जाओ। काटने वाली आदत नहीं जाएगी तुम्हारी है क्या? गुड वर्क। ओए काटो ना, बदतमीजी नहीं करते ऐसे, प्यार प्यार से रहते हैं। बार बारिश हो रही है, जाके बारिश करो, एंजॉय करो। Okay guys, चाय कैसे बन रही है माइक्रोवेव में? हमारा तो रोज का ये हो गया। अब आप लोग कहते होंगे रोज ही खाती है, माइक्रोवेव में चाय बन रही है, लेकिन कल किसी और चीज में बन रही है। नहीं, इसमें ही बन रही थी, बाउल में। बाउल में ही बनती है, और किसी चीज में नहीं बनती। बन रहा मगर ऐसे नहीं दिखाया था मैंने। लेकिन गैस, मैं दो रस और चाय पीने लगी हूँ गैस की वजह से, और जो है बड़े मसले हैं। खुदा करे कि आज जो है वो गैस वाले आ जाए और हमारा मसला हल हो जाए। गाइस, तो अभी मैंने चेंज कर लिया है। मैंने कहा कि मैं अभी जो है वो बाहर जाती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी रेन हो रही थी, इसलिए मैंने चेंज किया है कि जो है वो इसके साथ, ये देखें अम्ब्रेला, मेरी अम्ब्रेला के साथ अच्छा व्यू आएगा। ये देखें, ये ना मामा बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं पता, शायद थाईलैंड गई थी, कहाँ गई थी, वहाँ से लेके आई थी। तो मैंने ये सिर्फ ना फैशन के लिए है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के को ना बाहर का दिखाती हूँ। कल का जो ब्लॉग था उसके अंदर मैं फ्लावर्स नहीं, मैंने एडिटिंग करते वक्त नहीं डाल सके, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनको। एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, जिन्होंने पहले नहीं देखा ब्लॉग पिछला वो देखें जब लगाए थे ये, और एक ये है, ये देखें। अभी बारिश हुई है तो थोड़े मुझे आ गए हैं,
लेकिन वैसे ये चेक करें। और ये न्यू फ्लावर्स मुझे नजर आए हैं, ये देखें, ये ना कल के व्लॉग में मैंने कैप्चर भी किए थे, लेकिन वो जो है ना मेरे से डिलीट हो गए। मैंने सोचा कि वो लग गई है वीडियो, लेकिन नहीं लगी थी, तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब ये सूख जाएंगे तब भी आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए आज मुझे, मैंने कहा कि मैं जो हूँ ना ये अम्ब्रेला लेके बाहर जाती हूँ, क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को फ्लावर्स तो दिखाऊं, क्योंकि कल के ब्लॉग में कैप्चर ही नहीं हुए। बाकी भी चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बारिश की बूंदें जब होती हैं तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें गाइस, ये बच्चों की ग्रेव थी, पता नहीं मामा ने क्यों इसको जो है बिल्कुल ही सीधा कर दिया, साफ करती थी। आप देखिए उसके ऊपर कितना एरो के एरिया गिरा हुआ। ये देखिए बाहर हैन, ये जो है ना ये आ जाती है हमारे घर के अंदर और जो है ना पौधों को तबाह करती है। सुंदर मामा भी लगता आ गई है, देखते हैं। सुंदर मामा किधर हो, वो सुंदर मामा, सुंदर मामा। अब अंदर चलते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये देखें कैसी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यूं इस तरह की है, बड़ी खूबसूरत है ये। किसी वक्त ना जो है मामा, मैं और जेपी को भी कम कहेंगे तो ना हम शूट करेंगे इसके साथ अच्छे अच्छे ना आप लोगों को जो है ना वो शूट्स मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे अभी कोई पता नहीं है। मैं ब्लॉग में पहले बता दूँगी, तो फिर हम ना उसका पूरा ब्लॉग बनाएंगे शूट का, यहाँ पे ही लॉन में और डिफरेंट जगहों पे जो है ना इसके साथ डिफरेंट क्लोथ्स में बनाएंगे। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो उसके लिए मैंने जो है कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि वो प्रेस नहीं थे तो मैंने कपड़े चेंज किए हैं। और अभी हम जो है वो ग्रॉसरी थोड़ी सी लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो सुंदर मामा आती हैं उसको हम डालते हैं चिकन, और तो बाकी और भी हैं तीन चार, तो वो भी आ जाती हैं, तो उनके लिए चिकन लेने जा रहे हैं। मामा की जो है साइड क्लासेस जो हैं वो बनवानी हैं, तो पहली है लेकिन एक से गुजारा नहीं होता, तो इसलिए वो एक और बनवाने जा रहे हैं। तो बस कुछ थोड़े बहुत ऐसे काम हैं, घर की चीज़ें भी एक तो लेके आनी है, तो उसके लिए अभी जाएंगे बाहर, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। सिलेंडर भरवाने लगे हैं क्योंकि गैस ही नहीं आती। अभी तक नहीं आए भाई, पता नहीं वीडियो वीडियो बन रही है तुम्हारी वीडियो। अच्छा तो पहले तो आप गुस्सा कर रही थी। कुछ नहीं, वो भाई आ नहीं रहे थे लेट लेके। अच्छा अच्छा, इसलिए इसलिए बता देना भाई आपकी वीडियो बन गई। वीडियो ब्लैकमेल करना आपने? हाँ जी ब्लैकमेल करना आपको, लगा के मोबाइल चेक कर देना। नहीं वो 250 की क्या है, 250 की है। पिछली दफा मैं लेके गई हूँ, डब्बे में होती है। नहीं ऐसे ही देते हैं, पिछली दफा भी ऐसे ही दी थी। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्लावर, इतने खूबसूरत है। ये हमने फूल लिए और कोई वीडियो डालूंगी मैं। हाँ, और कोई भी हम जो है वो जगह छोड़ते नहीं है जहाँ से मेरी मामा कचरा कचरा नहीं करती। हाँ
मामा कचरा इकट्ठा नहीं करती। हाँ जी, अभी मेरा अम्मा को आदत है कचरा इकट्ठा करने की। हाँ जी, एक वीडियो आने वाली है जल्दी, वो एक आप समझ लें कि एक स्टोरी ही होगी। अभी हम जो हैं वो बाहर आए हैं, तो अभी हम लंडे भी जाएंगे। मामा, मैंने कहा कि चलो लंडे भी चलते हैं, तो ये यहाँ पे पास ही आए हुए थे इसलिए। तो भाई कह रहे थे, क्योंकि आपको पता कि जो हमारे ऑटो वाले भाई हैं वो एक ही हैं, तो वो कह रहे थे कि जो है ना बारिश हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना वहाँ पे कीचड़ होगा तो ना जाओ, तो मजाक कर रहे थे। तो ना मामा कहते चलो बाहर, अब इसको निकाला हुआ तो चलो कह रही है तो ले जाते हैं। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे, बड़े अच्छे के बाद जाना है वहाँ। और जो है ना वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर लोगों को दिखाएं, है ना। उसकी एक वीडियो आने वाली है कि मामा जो हैं वो कचरा इकट्ठा करती रहती हैं, और ये जो है सूखे जो फूल होते हैं वो इकट्ठा करती रहती हैं। तो ये क्यों है, क्यों करती हैं, क्यों आदत है इनको, तो वो उसका अभी जो है वो ब्लॉग आएगा। हम लंडे आ गए हैं, ये देखिए शूज। अभी मामा की तरफ चलते हैं, मामा का देख रही हैं। ये देखिए क्रॉकरी भी आया। क्या देख रहे हो? प्यारी प्यारी प्लेट्स। यहाँ पर शॉप पे आए हैं, वहाँ पे बैग्स हैं और बूट्स भी हैं, लेकिन बहुत ही महंगे हैं। गाइस, तो हम घर वापस आ गए हैं और सारी चीज़ें ले आए हैं, और अब जो है वो हमने खाना भी खा लिया है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया अभी तक वो भी कर दें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आगे बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और मैंने देखा है कि जो ज़्यादातर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमें देखते हैं, तो काइंडली आप लोग भी अगर हमें देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको सारे हमारे जो व्लॉग्स हैं वो मिलते रहें और जो है कोई भी मिस ना हो। तो ओके, खुदा हाफिज़। और हाँ जी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। आप लोग सारे जो है वो कमेंट्स करते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। बाय जी, थैंक यू फॉर कमेंट्स। जो जो भी कमेंट्स करता है उनके लिए थैंक यू, क्योंकि अभी न्यू जो कमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही खुशी होती है कि जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं वो हमें कमेंट कर रहे हैं, हमारे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें, ताकि जो है हमें पता चले कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, और कैसे व्लॉग्स हम बनाएं वो भी बताइएगा। बाय।